नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार मेहरा और मैं आज आपको ब्लूज स्केल सिखाने वाला हूं। तो हम लोग आज सीखेंगे ई माइनर ब्लूज। तो हम लोग ई माइनर ब्लूज कैसे बजाएंगे, मैं आपको वो दिखाऊंगा। पहले तो हमें ब्लूज स्केल्स की नोट्स जाननी ज़रूरी है। ब्लूज स्केल्स में 6 नोट होते हैं, ब्लूज स्केल में 6 नोट्स होते हैं। और आपको ये बजाने कैसे हैं, तो पहले तो आपको क्या क्या नोट्स हैं मैं वो बता देता हूँ। ब्लूज स्केल्स में नोट्स होते हैं ई जी ए बी फ्लैट बी एन डी, मतलब ई जी ए ए शार्प बी और डी। तो आपको बजाने कैसे हैं, तो आपको बजाने हैं ये 6 वाली स्ट्रिंग को पहले ओपन बजानी है ई, उसके बाद बजानी है 6 स्ट्रिंग में थर्ड फ्रेटबोर्ड में जी, उसके बाद बजानी है 5th स्ट्रिंग ओपन ए, 1 फ्रेटबोर्ड 5th स्ट्रिंग बी फ्लैट, उसके बाद 2nd फ्रेटबोर्ड 5th स्ट्रिंग बी, उसके बाद 4th स्ट्रिंग ओपन डी। तो बजाने कैसे हैं, बहुत ही इजी है, देखिएगा। फर्स्ट ऑक्टेव, तो ये तो हो गए फर्स्ट ऑक्टेव। तो आप सेम नोट को यहाँ सेकेंड ऑक्टेव में भी बजा सकते हैं। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से सेम नोट को रिपीट कर देंगे। तो कैसे बजाएंगे मैं दिखाता हूँ, पूरा 2 ऑक्टेव। इसी को सेकेंड ऑक्टेव में भी बजा सकते हैं। मैं आपको ये सेकेंड ऑक्टेव वाला मैं बाद में सिखाऊंगा आपको ये कैसे बजाने हैं। पहले आप इस फर्स्ट ऑक्टेव को ज़रूर प्रैक्टिस करें, जब ये आपके फास्ट हो जाएंगे तब मैं आपको ये यहाँ भी दिखाऊंगा कैसे बजाने हैं, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ से भी हम लोग बजाएंगे, हम लोग हर तरह से हर जगह से बजाएंगे और अच्छी तरह से बजाएंगे। पहले आपको ये ईजी वाले प्रैक्टिस करने हैं। तो थैंक यू, इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक नई लेसन के साथ। थैंक यू वेरी मच।